मैं मौजूद हूँ अभी डेहरी नासरीगंज के बीचों बीच दरिहट गांव के समीप, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से लगातार सड़क की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सड़कों को चौड़ीकरण की जहाँ बातें हो रही हैं, वहीं बिजली विभाग के द्वारा आप देखेंगे महज सड़क के एक हाथ के बगल में या एक फीट के बगल में पोल गाड़ने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि केबल का तारे ऊपर टंगेंगी, भारी भरकम तारे होंगी। तो मैं अपन को देखने का प्रयास कराऊंगा कि किस तरह से कितनी समस्याओं के साथ यहाँ पर लोग इसको झेल रहे हैं और भी कहाँ कहाँ बिजली का खंभा गड़ रहा है। देखिए यही वो जगह है, ये जो मुख्य सड़कें हैं और मुख्य सड़कों के बगल में मात्र ये गड्ढा करके पोल गाड़ना और उसको ऊपर तक ले जाना, ये कहाँ तक सच्चाई है और ये कहाँ तक खामियाँ और बिजली विभाग खामियाँ हैं। अगर ये कहें तो बिजली विभाग का कमियाँ और खामियाँ तो अक्सर देखी जाती हैं। और इस संबंध में जेई साहब से भी बातें हुई हैं। जेई साहब ने बोला है कि हम देखिए ये जो पहले का ये पोल है जो जिस पर तार टंगा हुआ होता है, ये दूसरा है जो कि मुख्य सड़क के बिल्कुल काफ़ी दूर में है, परंतु इसकी नज़र न तो जनप्रतिनिधियों की होती है न यहाँ के आम लोगों की होती है। और बिजली विभाग का जो काम है वो खुद को अपना पोल टांगना होता है और निकल जाना होता है। अगर समस्याएं होंगी तो आम लोगों के यहाँ पर भोगना होगा। देखिए ये गड्ढा है और जस्ट यही मुख्य सड़क है, आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही छड़ों में और एक या दो हाथ के बगल में मुख्य सड़क है। और कहते हैं ना कि दुर्घटनाएँ जो होती हैं अपने आप को दावत देती हैं, ये ऐसे ऐसे जो पोल होते हैं, तो मुख्य सड़क है और 24 घंटा इस पर आना जाना होता है। और आप देख सकते हैं कि बगल में ये जो गड्ढा निकाला गया है बिजली विभाग के द्वारा, ये एक खतरा खाली नहीं है। अगर ये पोल गड़ती हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर घटनाएं भी होंगी। मैं मांग करता हूँ बिजली के अधिकारियों से, अभी जेई साहब से भी बात हुई है, सुजीत बाबू से, आप देखें उसको संज्ञान मिले, और जो भी बिजली के कर्मी हैं उनसे भी मैं मांग करूँगा कि अधिकारियों से बात करके और जनहित में ले करके पोल को गाड़ें। हालांकि केबल के तार भी टांग रहा है तो भी सही है, लेकिन मुख्य सड़क के इतना नज़दीक में और इतना समीप में केबल को टांगना ये भी दुर्घटना को दावत देना होगा। और मैं मांग करता हूँ अधिकारियों से, अभी यही सबसे बात हुई है और SDO से भी मैं बात करूँगा, मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के बाद लगभग 10-10 फीट का भी रास्ता होता है, सरकारी ज़मीन है, रोहतास जिला परिषद की ज़मीन है, तो उसको आप खोजें ज़मीन कहाँ है। हालाँकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कें चौड़ीकरण हो रही है, लेकिन सड़क के बीच बीच और सड़क के इतने समीप भी गड्ढा खोदना और पोल को गड़ना ये दुर्घटना को एक दावत देना है। देखते हैं खबर को चलने के बाद और खबर बनने के बाद और यही सबसे बात होने के बाद क्या अधिकारी फैसले लेते हैं या अलग पोल को गाड़ने का कार्य करते हैं।